हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारे एसी होती हैं उनमें हम कौन सी गैस का कितना पीएसआई मेजरमेंट करते हैं, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हुआ क्या मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा इसमें हमारी रेफ्रिजरेंट भरा जाता है उसको हम ऑन और ऑफ में उसका पीएसआई कितना रखना चाहिए, कितना होता है, उसके बारे में छोटी सी एक वीडियो है, चैनल में बने रहें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं R410, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं R410। दोस्तों जब आपका एसी ऑन कंडीशन में होगा, जब आपका एसी ऑन कंडीशन में होगा तो यहाँ पे जो उसका पीएसआई होगा 120 से लेके 150, यहाँ पे देख सकते हैं। जब आप अगर किसी एसी में 410 गैस डली है, R410, तो अगर वो चालू है तो चालू में आप जब मीटर को देखेंगे तो 120 से 150 PSI के बीच में दिखना चाहिए, यानी ये वाला जो सुई है हमारा, ये सुई हमारा कहाँ पर आना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, या यहाँ पे को करीब आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 120 से 150 के करीब PSI पे इसका होना चाहिए ऑन कंडीशन में। अगर यही आपका ऑफ कंडीशन यानी स्टैंड बाई मोड में यानी बंद है एसी, उस केस में अगर आप इसमें गैस को मेजरमेंट करते हैं तो उस केस में ये आपका आना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑफ कंडीशन में, यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने ऑफ कंडीशन पर कर दिया है, ये उस केस में जो आना चाहिए यहाँ पर हमारा 260 से, यहाँ पर देख सकते हैं 260 से 270, 260 से दोस्तों 270 के करीब इसका ऑफ कंडीशन में पीएसआई आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 260, आप देख सकते हैं कहाँ पर है ये, यहाँ पर देख सकते हैं 180 और ये 350, इसके बीच में जो रीडिंग है उसके हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा, वरना आप ऐसा मीटर खरीदें कि जहाँ पर आपको रीडिंग जैसे आपको यहाँ से दे रखी है, यहाँ से देख सकते हैं 20 40, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी दे रखी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसा मीटर इसमें खरीदें, गेज मीटर खरीदें जिसमें आपको पूरा अच्छे से, यहाँ पे को देख सकते हैं 180 और 350 के बीच में काफ़ी गैप कर दिया है, तो आप पूरा खरीदेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ कंडीशन में आप यहाँ पे इतना होना चाहिए, यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर R32 की, यहाँ पर देख सकते हैं R32, अगर हम R32 की बात करें जब आपका एसी रनिंग कंडीशन में हो, यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ ऑन कंडीशन में हो, तो उस केस में जो R32 होता है उसमें 120 से आपको देखने को मिलेगा 135, यहाँ पर देख सकते हैं 120 आपका यही वाला रहा यहाँ से, और 135 आपका करीब करीब यहाँ पे कोई रहेगा, ये 120 से 135 के करीब आपको देखने का मिला, मिनिमम 120 होना चाहिए, मैक्सिमम 135 होनी चाहिए इसमें गैस रनिंग कंडीशन में जब आपका एसी ऑन हो। अगर इसी की बात हम करते हैं ऑफ में, तो ऑफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा 250 से 260, अगर आपका एसी ऑफ कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में यहाँ पर देख सकते हैं ये 250 से 260 करीब करीब हमारा इधर कहीं आएगा, ये अगर ये मीटर जब अगर पूरा और इसमें दिए होंगे डिजिट तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये R32 की रीडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो मैं यहाँ पे भी इसको कट कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारे एक और गैस डलती है वो है तो आपकी R22, यहाँ पर देखते जो R22 होती है दोस्तों इसकी जो रनिंग कंडीशन है यानी ऑन, इसकी जो दोस्तों ऑन कंडीशन है, ऑन कंडीशन में इसका जो है वो 60 से, यहाँ पे देख सकते हैं
60 से आपको 75 PSI देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 60 से 75, आपको 60 से 75, एक मिनट में यहाँ पे कट कर दूँ, यहाँ पे देखते हैं 60 हमारा दोस्तों ये है और 75 लगभग हमारा यहाँ आता है। तो हमारा जब ये रनिंग कंडीशन में एसी होगा, अगर उसमें R22 गैस डली हुई है, तो उसका जब हम गेज मीटर से PSI मेजरमेंट करेंगे, उसमें गैस मेजरमेंट करेंगे, तो 60 से 75 के बीच में हमारी रीडिंग शो करना चाहिए, मीटर PSI दिखाना चाहिए। अगर हम इसी की बात करते हैं कि अगर ये ऑफ कंडीशन में होगा, यानी स्टैंड बाई बंद ऑफ कंडीशन में होगा, तो हमारा PSI कितना होगा? तो ऑफ कंडीशन में दोस्तों ये 160 से पहुंच जाएगा 180। तो 160 और 180 आप देख सकते हैं कहां पर है, 160 हमारा ये रहा, 180 ये रहा। तो यहां पर आप देख सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से आप इसको नोट कर करके आप इसमें काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं कि हमारी जो R410 और आपकी R32 और यहां पर देख सकते हैं R22, जो ये गैसें होती हैं ऑन कंडीशन में, इसकी PSI कितनी होनी चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए गैस का, और ऑफ कंडीशन में कितना प्रेशर होना चाहिए। अगर आप ये दो चीज़ें, तीन गैस का अगर आप नॉलेज में रखते हैं, तो आप पता लगा सकते हैं कि हमारे एसी में गैस भरपूर है या नहीं है। अगर आपकी गैस कम होगी तो आपकी जो ये रीडिंग है वो आपकी नीचे आ जाएगी, यानी कूलिंग आपका कम कर रहा होगा, तो आप मीटर को लगा करके कूलिंग को मेजरमेंट कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो और जब आप इसमें गैस चार्ज करें तो इतनी चार्ज करें कि इस दोनों के बीच में ही आपकी आए, यहाँ पे देख सकते हैं ये रनिंग कंडीशन में इन दोनों के बीच में ही आपका मीटर आए, 60 से 75 के बीच में ही आपका रहे, 60 से नीचे भी ना हो और 75 से ऊपर भी ना जाए। अगर आप इसमें गैस ओवर भर देंगे, जब हाई प्रेशर पर गैस इस पर रन करेगी, तो आपका कहीं ना कहीं से ज्वाइंट क्या होगा, ओपन हो जाएगा, या आपके जो फ्लेयरिंग नट होते हैं वहाँ पर अगर आपकी ग्रिप सही नहीं बनी होगी, तो वहाँ पे से पाइप खुल जाएगा, जहाँ पे भी गैस को अपना लूज मिलेगा कि उसे लगेगा कि यहाँ पे लूजिंग है, वो उधर से गैस क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। इसलिए PSI देख करके ही उसके मानक के हिसाब से ही इसमें गैस चार्ज करें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मेरी वीडियो जो न्यू है वो वॉच तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों।